www.attableeg.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitani radim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. बुजुर्गों और भाइयों, मैंने गुज़श्ता जुमेरात भी यही आयत पढ़ी थी। अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दुनिया में असल मकसद अल्लाह की इबादत है। फिर खूब समझो, यहाँ इबादत बमाना मारिफत है। साहिब रूहुल मानी ने यही मसला लिखा है कि इबादत बमाना यहाँ मारिफत है। अल्लाह की मारिफत, हम सब को अल्लाह की मारिफत होना चाहिए, लेकिन मारिफत इबादत से होती है। जब हम सजदे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कोई अल्लाह है। जब हम रोजे रखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा कोई अल्लाह है। जिस काबा का तवाफ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका कोई मालिक है, वो अल्लाह है। तो इबादत से मारिफत मिलती है, इसलिए इबादत सीरी है अल्लाह को पहचानने की, मारिफत की। मारिफत का माना पहचानना, अल्लाह का पहचानना। फिर याद रखो, अल्लाह की जात को तो कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। अल्लाह की जात को अगर पहचानने में अगर कोशिश भी हम करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। जल्लु व अजल्लु, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह की जात, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, ला तुद्रिकुहुल अबसार, तुम्हारी आंखें मेरा इहाता नहीं कर सकती। ला तुद्रिकुहुल अबसार, वह युद्रिकुहुल अबसार, वो पूरी कायनात का इहाता किए। एक एक फर्द पर उसकी नजर है। हम यहां बैठे हुए हैं, हम पर नजर है। मुस्लिम शरीफ में हदीस कुदसी है, फरमाया कि इंस और जिन, इंसान और जिन्नात, पहले जो गुजर चुके वो और बाद में जो आने वाले हैं वो, सब के सब एक मैदान में जमा हो जाएं, सब के सब, यानी आदम से कयामत तक के सारे इंसान, सारे जिन्नात एक मैदान में जमा हो जाएं और एक वक्त सब बोले कि मुझे ये चाहिए। आप भी बोले, आप भी बोले, आप भी बोले, अरबों खरबों इंसान एक ही वक्त में सब बोले। अल्लाह कहता है, मैं उसी वक्त सबकी आवाज को सुनता भी हूं, समझता भी हूं कि तुम क्या मांग रहे हो मुझसे। ये अल्लाह की जात है, ला तुद्रिकुहुल अबसार, उसका कोई इहाता नहीं कर सकता है। वह युद्रिकुहुल अबसार, लेकिन वह सबका इहाता किए हुए। वहुवा लतीफुल खबीर, वो बहुत बारीक नजर रखता है हमारे ऊपर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की जात को तो कोई समझ नहीं सकता। हुवा ज़ाहिर वल बातिन, हुवा अव्वल वल आखिर, कोई उसकी जात को समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए एक बात समझे, आजकल भी बहुत सारे नास्तिक देहरिया अल्लाह को न मानने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह से पहले कौन था, अल्लाह को किसने पैदा किया, उसे पहले कौन था। ये इस तरह के सवालात आए दिन होते रहते हैं, ये सब अकली सवाल है। एक मोटा सा जवाब अगर आपको किसी से पाला पड़ जाए, आप दे दीजिए कि कंप्यूटर चलाने वाला कंप्यूटर के अंदर दाखिल नहीं होता, चला रहा है वो उसमें दाखिल नहीं होता है। कंप्यूटर का बनाने वाला कंप्यूटर में दाखिल नहीं होता है, तो कायनात का बनाने वाला कायनात में दाखिल नहीं होता है। और कायनात मखलूक है और बनाने वाला इस कायनात से निकला हुआ है, तो वो खालिक है। और अगर ये पूछो कि उसको किसने बनाया, तो फिर सवाल होगा कि उसको किसने बनाया। अच्छा, फिर उसको किसने बनाया, पूछते चले जाओ, कोई तो इंतहा आएगी। जाहिर सी बात है, जिसकी इंतहा नहीं होती है, कोई इंतहा नहीं है, वही अल्लाह आखिर है। तो हकीकत यह है कि अल्लाह की जात, जात को समझना बहुत मुश्किल है।
उसकी जात को कोई समझ ही नहीं सकता, और जो जात को समझने में गया उसका दिमाग खराब हो गया। तो फिर अल्लाह को कैसे पहचानना? अल्लाह कहता है मेरी मारिफत कैसे पहचानोगे? उसकी सिफत से, उसकी सिफात, उसकी सिफतों के जरिए से, उसकी कारीगरी के जरिए से, उसकी बनावट के जरिए से हम अल्लाह को पहचानेंगे। फिर उसकी मारिफत कुरान करीम की हर आयत में मौजूद है, हर आयत में उसकी मारिफत है। अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू करो वन्नास तक, हर आयत में अल्लाह ताला की मारिफत मौजूद है, उसको पहचानना मौजूद है। फिर हर हदीस में अल्लाह की मारिफत मौजूद है, हर जगह अल्लाह की मारिफत, कोई हदीस ऐसी नहीं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें अल्लाह की मारिफत ना हो। तो कुरान की हर आयत अल्लाह की पहचान पर दलील है, कुरान अल्लाह के नबी की हर हदीस वो उसकी पहचान पर दलील है। और नंबर तीन, सारी कायनात को उसने मारिफत का जरिया बना दिया। अरबों खरबों साल हो गए, विंटर में आफ्ताब और सन जहां से तुलू होता है उसी वक्त तुलू होता है, और समर में जिस वक्त पर तुलू होता है उसी वक्त पर, लोग कहते हैं हमने जंतरी बनाई, हमने कैलेंडर बनाए, तुम्हारा कैलेंडर और जंतरी अल्लाह के निजाम के ताबे है, निजाम तुम्हारे कैलेंडर के ताबे नहीं। तुम कहते हो साल में एक दिन वो आता है कि जिसमें दिन बहुत लंबा होता है, सबसे ज्यादा लंबा दिन ये है, ये तुमने कहां से निकाला? अल्लाह की इस कारीगरी को देखकर निकाला है, जो तुमने हर साल उसको देखा उससे तुमने निकाला। तो आप एक आफ्ताब को ले लें कि वो आफ्ताब अरबों खरबों साल से विंटर और समर का जो वक्त है, जहां से तुलू होना है वहां से तुलू हो रहा है, और जहां गुरूब होना है गुरूब हो रहा है, अल्लाह की पहचान। एक चांद को ले ले अरबों खरबों साल से, बस उसका जो निजाम है, उन सितारों को ले ले, अल्लाह का निजाम है, जमीन का निजाम है, पानी का निजाम है, पूरी कायनात का निजाम अल्लाह ताला ने जो बनाया है, ये सब अल्लाह की मारिफत की दलीलें हैं, ये सारी की सारी अल्लाह की मारिफत की दलील है। यही वजह है कि कुरान में हक ताला ने अपने तौहीद को समझाने के लिए आसमान से ऊपर की कोई दलील नहीं दी। पूरा कुरान पढ़ ले, आसमान के ऊपर की कोई दलील नहीं, सब आसमान के नीचे की। कभी फरमाया इन फी खल्क السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, ये रात ये दिन ये विंटर के अंदर अल्लाह क्या करता है? अल्लाह कहता है मैं विंटर में दिन को रात में दाखिल कर देता हूं, रात लंबी हो जाती है ना, तो दिन रात में चला गया, और समर में मैं रात को जो है दिन को रात से निकालता हूं, दिन लंबा हो जाता है। इन फी खल्क السماوات والارض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, एक पत्थर पानी में डालो वो अंदर चला जाता है, और अरबों खरबों मन की वो पानी जहाज जो ऊपर चल रहा है और समंदर में चलता चला जाता है, वो कौन ताकत है? والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, कभी कहता है افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ऊंट को देखो हमने कैसे बनाया, والى السماء كيف رفعت, कैसे बुलंद किया, والى الارض كيف سطحت, कैसे हमने इसको बिछा दिया, और ये सारी मेरी मखलूक है, والى الجبال كيف نصبت, यही वजह है कि मिश्कात शरीफ की रिवायत है कि शुरू में जब जमीन को बनाया जमीन हिलने लगी, इतनी बड़ी जमीन थी ना वो हिलने लगी, तो अल्लाह ने पहाड़ बना दिया और पहाड़ के जरिए से जमीन को मजबूत कर दिया, अब ये नहीं हिलती इल्ला ये कि अल्लाह चाहे जलजलों की शक्ल में, वरना ये नहीं हिलती। जब पहाड़ बने और जमीन मजबूत हो गई तो फरिश्तों को सवाल हुआ, वो सवाल हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल फरमाया, फरिश्तों ने फरमाया बारी ताला पहाड़ से ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक है तेरी? माउन से ज्यादा ये जमीन को मजबूत कर दिया? तो अल्लाह ने फरमाया कि हां पहाड़ से ज्यादा ताकतवर वो मेरी मखलूक स्टील और लोहा है,
یہ اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. اور اسٹیل اور لوہا بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. آپ نے بنایا؟ کوئی فیکٹری بنا رہی ہے؟ ارے وہی جو زمین سے نکلتا ہے اسی پر سارا مسئلہ ہو رہا ہے. انسان نہیں بناتا ہے, اس لیے کہ زیرو سے انسان نہیں کرتا ہے, بنی ہوئی چیز پر انسان کی کاریگری ہے. گول زمین سے نکلتا ہے, سلور زمین سے نکلتا ہے, اسٹیل زمین سے نکلتا ہے, آئل زمین سے نکل رہا ہے, یہ سب اللہ ہی تو دے رہا ہے. ایلومینیم زمین سے نکل رہا ہے, یہ سب اللہ ہی تو دے رہا ہے, اسی کی مخلوق ہے. انسان زیرو سے کچھ نہیں کر سکتا, بنی بنائی چیز پر بناتا ہے. تو فرمایا ہاں میری مخلوق اسٹیل اور لوہا ہے, اس لیے کہ وہ لوہا جب اس پہاڑ پر چلے گا تو اس کو توڑ دے گا. فرمایا اچھا تو اسٹیل سے زیادہ طاقتور کوئی تیری مخلوق تو نے پیدا کی ہے دنیا میں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اسٹیل سے بھی زیادہ طاقت, مشکا شریف کی روایت ہے, اس سے بھی زیادہ طاقتور میری مخلوق آگ ہے, فائر. لوہا اس میں ڈالو تو اس کو جو ہے پگھلا کر ختم کر دیتا ہے. تو آگ کی طاقت لوہے سے زیادہ. فرمایا اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ فرمایا ہاں اس سے زیادہ, آگ سے زیادہ طاقتور مخلوق پانی ہے, کہ یہ پانی جب آگ پر پڑتا ہے تو اس کو بجھا دیتا ہے. فرمایا اس سے زیادہ طاقتور مخلوق؟ فرمایا ہے میری مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا اس پانی کو اڑا دیتی ہے, اس میں اتنی طاقت ہے. فرمایا اس سے زیادہ کوئی تیری مخلوق ہے طاقتور؟ تو اب سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے کا صدقہ جب وہ رائٹ ہینڈ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا, یعنی ریاکاری شہرت نہیں, چپ چاپ دے دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس میں وہ طاقت ہے جو ان سب سے زیادہ ہے, جو جہنم کی آگ کو بجھا کر اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے. تو مومن کا صدقہ یہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے, اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے. اسی لیے ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ وہ ہمیشہ فرماتے تھے, جب کوئی آ کر اپنے حالات بیان کرتا, اپنی پریشانیاں, اپنی مصیبتیں, اپنی بیماریاں, حضرت فرماتے تھے صدقہ کرو, صدقہ کرو. حضرت فرماتے تھے بڑا صدقہ کرو, بڑا صدقہ. ہمارے حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن تھے, بھائی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تھے, پیر جی بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور و معروف تھے. جب حضرت کے اہلیہ محترمہ بہت شدید بیمار اور ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے منع کیا, تو حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے پاس آئے دعا کے لیے, تو شیخ نے فرمایا بھائی طلحہ صدقہ کرو. بھائی طلحہ نے فرمایا کہ 5,000 روپے. فرمایا ہاسپٹل میں کتنے دیے؟ وہاں کتنے دیے؟ 2 لاکھ, 2.5 لاکھ. فرمایا مخلوق کو اتنے اور اللہ کو اتنے, بڑا صدقہ کرو. فرمایا کتنا کرے؟ فرمایا 50,000 صدقہ کرو. فرمایا اتنے نہیں ہیں. تو حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نکال کر دیا. فرمایا میرا بھی اس میں لگا لو, میں دعا بھی کرتا ہوں اور صدقہ بھی کرو. 3 دن نہیں ہوئے کہ افاقہ عافیت شروع ہو گئی, الحمدللہ اللہ نے شفا دی. اس کے بعد تو 3 سال جو ہیں زندگی گزار کر گئے. تو صدقے میں وہ طاقت ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے نا, یہ سب اللہ کا تعارف ہے. اور ایک جملہ آپ کو بڑا عجیب لگے گا, معرفت کے لیے شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ معرفت کے لیے, معرفت کافر کو بھی ہے, اللہ کی معرفت کافر کو بھی ہے. آپ کہو گے کیسے؟ قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہاری کشتی پانی میں پھنس جاتی ہے تو تم سارے اپنے معبودوں کو بھول کر مجھے یاد کرتے ہو. معلوم ہوتا ہے معرفت تو ان کو بھی ہے. معرفت کے لیے شیخ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو کائنات کی یہ ساری چیزیں معرفت کے لیے ہیں, تو پھر شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ شیخ کی ضرورت ان معرفت کے بعد ان چیزوں سے اللہ کا وہ اثر اپنے اندر قبول کرنا, اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے.
वरना मारिफत तो कुफार को भी है, लेकिन वो असर कबूल नहीं करते। वो फ्लाइट जब हिलने लगता है तब उनको अल्लाह याद आता है, और जब फ्लाइट बराबर लैंड हो जाता है तो फिर वो अल्लाह को भूल कर वही अपने माबूदों को सजदा करते। वो स्टीमर जब डूबने लगता है तो अल्लाह को याद करते हैं, और फिर सही चलता है तो फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। तो सही चलने के लिए जिस असर की जरूरत है उसके लिए शक की जरूरत है, मारिफत के लिए नहीं। मारिफत तो कुफार को भी है, इन सारी चीजों से मारिफत ही मारिफत है। तो फरमाया हमने अपने बंदों को मारिफत के लिए पैदा किया। अब मारिफत से क्या मिलेगा? अल्लाह की जब मारिफत होगी तो नंबर एक मोहब्बत मिलेगी अल्लाह की। जाहिर सी बात है, मैं आपको जानता हूं तो आपकी मोहब्बत मैं करूंगा आपसे, आपको जानता ही नहीं तो आपसे मोहब्बत कैसे करूंगा। मारिफत से मोहब्बत मिलती है। अल्लाह की मारिफत रखोगे मेरे भाइयों, खूब सुन लो, तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। और नंबर दो, अगर अल्लाह की मारिफत होगी तो अल्लाह का खौफ नसीब होगा, खशियत खुदावंदी नसीब होगी। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वाकया लिखा है, हकीकत नहीं है, वो सब तमसीलात है जो मारिफ मजनबी में है, सब समझाने के लिए है। हज़रत फरमाते एक आदमी जंगल में सफर कर रहा था, बहुत थक गया रास्ते में, तो बहुत दीन थी, बहुत थका हुआ था और अंधेरा कुछ था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने देखा कि यहां कोई सोया हुआ है, लाओ मैं भी यहां सो जाऊं, इसलिए कि जंगल में कोई करीब हो तो अच्छा है ताकि हिफाजत हो। वहीं सो गया वो। अब उसकी अच्छी खासी नींद लग गई थी। अब सुबह होने को आई है और कोई साहब वहां से आए, उन्होंने देखा कि ये जो सोया हुआ इंसान, और ये तो शेर है, लायन है, ये तो साथ में सोया हुआ, ये तो लायन है, अगर ये बेदार हो गया लायन तो इसको खा जाएगा। तो उसको उठाया आहिस्ता से कि ये शेर सोया हुआ है, तो उठ यहां से। अब वो जो उठा और उसने शेर को देखा तो उसको दौरा पड़ा, कल्ब का मर गया। हजरत ये मिसाल देकर यूं समझाना चाहते हैं कि जब तक मारिफत नहीं थी तो शेर के साथ सोया हुआ था, और मारिफत आ गई तो डर के मारे मर गया। फरमाया अल्लाह की मारिफत पैदा करो ताकि दिल अल्लाह के खौफ से भर जाए, अल्लाह की खशियत से भरे, अल्लाह की मारिफत, उसकी पहचान कि वो अल्लाह हमारा कैसा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के मकान पर तशरीफ लाए और रात में कुछ देर सोने के बाद फरमाया, आयशा इजाजत देती है मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊं। फरमाया मैं तो चाहती थी कि आप बहुत देर मेरे साथ लेते रहे। फरमाया कि मेरा रब मुझे याद आ रहा है। अब हजरत खड़े हो गए, इजाजत मिली, खड़े हो गए, इबादत के अंदर लगे और रात भर रोते रहे। ये वो मारिफत खुदा, इसीलिए हजरत फरमाते अनातकाकुम व अअलमकुम बिल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और सबसे ज्यादा अल्लाह को पहचानने वाला हूं। मारिफत जितनी होती है ना इतना अल्लाह का खौफ होगा, और मारिफत नहीं है तो अल्लाह का खौफ भी नहीं होगा। हदीस शरीफ में है कि हजरत रात में रोते थे तो कैफियत क्या होती थी, हदीस में है अजीजुन का अजीजिल मिर्जल, हांदी है ना चूल्हे पर पकाते हैं, खट 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 आवाज आती है, जोश मारती है। फरमाए नबी के सीने से ऐसे आवाज निकलती थी, अजीज उनका अजीज मिर्जल। और हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहेब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी कबर को नूर से मुनव्वर फरमाए, हजरत ने बराह रास मुझसे बयान किया था कि मैं हजरत मदनी नवर अल्लाह मरकदहू के साथ सोया हुआ था। हमारे वहां एक गाँव है कौसाड़ी, वहां हजरत मदनी अलैहि रहमत तशरीफ लाए थे। छोटा सा गांव है, दैला करके एक गांव है, वहां हाफिज दैला वाला बहुत मशहूर थे। मैं बचपन में उनके पास जाया करता था, हाफिज दैला वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। मैं तो अपनी गर्ज से जाता था, कोई दुआ हुआ के लिए नहीं जाता था, उनकी बारी थी तो चीकू लेने जाता था, लेकिन वो दुआ दिया करते थे। तो हजरत मदनी के वो खास मुरीद थे, हजरत उनके वहां तशरीफ लाए थे, तो उन्हीं के घर पर हजरत फरमाते हैं कि मैं रात में सोया हुआ था
और मैं ये सोचकर सोया हुआ था कि हजरत रात में उठेंगे तो वजू कराऊंगा, लेकिन मैं क्या वजू कराता, मेरी आंख खुली आवाज की वजह से तो मैंने देखा कि हजरत तो न मालूम कब से मुसल्ले पर खड़े हैं और अब जो हैं दुआ मांग रहे हैं और दुआ में रो रहे थे। तो सीफत वही थी रोने की जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, आजीज उनका अजीज मिर्जल, सीने से अह अह की आवाज आ रही थी। ये खशियत खुदावंदी जहां होती है ना, और खशियत पैदा होती है, खौफ पैदा होता है अल्लाह की मारिफत से, तो मारिफत से अल्लाह का खौफ पैदा होता है। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मजालिस में एक लंबा वाकया लिखा है मंसूर इब्न अम्मार के वास्ते से, मैं उसका मुख्तसर एक हिस्सा पेश करूं। मंसूर इब्न अम्मार कहते हैं कि एक जगह से मेरा गुजर हुआ रात में, तो घर के अंदर से आवाज आ रही थी और एक जवान अल्लाह को यह कह रहा था कि अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए और ये अल्लाह मैंने गुनाह भूल से नहीं किए, मैं तुझे जानता था कि तू मुझको देख रहा है, फिर भी मेरे नफ्स ने मुझे गुनाह में मुब्तला कर दिया, मैं जानता था तुझे कि तू मुझे देख रहा है अंधेरे में भी, और ये अल्लाह मुझे ये भी मालूम था कि तू पकड़ करने वाला है, फिर भी मेरा नफ्स गालिब आ गया और मैंने गुनाह कर लिए, और मुझे ये भी मालूम था कि अल्लाह तेरी रस्सी जब तू खींचता है, ये अल्फाज है हबल के अल्फाज है, तू खींचता है तो फिर तू छोड़ता नहीं, फिर भी मैंने अल्लाह गुनाह कर लिए, अल्लाह अब मैं रात में बैठा हुआ हूं तुझसे तौबा करने के लिए, अगर तूने मेरी रस्सी काट दी तो अल्लाह कोई मेरी रस्सी पकड़ने वाला नहीं होगा। जब रिश्ता ही अल्लाह से टूट जाए तो कौन है जो दुनिया में हमें बीमारी से बचा सके, हालात से बचा सके, परेशानियों से बचा सके, कौन है, कोई नहीं है। फरमाया तूने अगर रस्सी काट दी तो हकीकत यह है कि मेरी रस्सी को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह मैं जैसा भी हूं तू मुझे माफ कर दे। ये जवान बोल रहा था और रो रहा था, ये पहचान ही तो थी अल्लाह की। मंसूर इब्ने अम्मार कहते हैं कि मैंने एक आयत पढ़ी उसके दरवाजे पर, या अय्युहल्लज़ीन आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله, یہ آیت پڑھی جس میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فجر کے بعد میں گیا کہ لا اس جوان کو ملوں جو رات میں یہ دعا کر رہا تھا, تو وہاں جنازہ تیار ہے, اس کی ماں نے بتایا کہ میرا بچہ رات میں رو رہا تھا اور کسی نے قرآن کی آیت پڑھی جس سے اس کے قلب کے اوپر ایک جھٹکا لگا اور میرا بیٹا رات میں مر گیا۔ یہ معرفت کی بنیاد پر خشیت اللہ کی, خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی پہچان سے۔ تیسرا فائدہ معرفت سے کیا ہوتا ہے؟ تیسرا فائدہ معرفت سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبدیت نصیب فرما دیتے, عاجزی عبدیت, اس لیے کہ جب ہم اللہ کو یہ جان لیں کہ میرا اللہ ہے وہ سب سے بڑا ہے, میں آیا تو لا شے تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, پھر دنیا سے جاؤں گا تو لا شے ہوں گا, کچھ نہیں ہوگا میرے پاس, تو پہلے بھی لا شے بعد میں بھی لا شے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مجھے تکبر کس بات پر, دولت پر, عزت پر, علم پر, کس پر مجھے تکبر؟ تو اللہ کی معرفت سے عبدیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایک عبادت ظاہرہ ہے ایک عبادت باطنہ ہے۔ عبادت ظاہرہ مثلا نماز پڑھی, اللہ اکبر, رکوع کیا, سجدہ کیا, یہ عبادت ظاہرہ ہے, اور ایک عبادت باطنہ ہے خشوع اور خضوع, اخلاص, اللہ کی حضوری۔ فرمایا عبادت ظاہرہ بھی اللہ کی معرفت پر موقوف ہے اور عبادت باطنہ بھی اللہ کی معرفت پر موقوف ہے۔ اگر اس کی معرفت ہے تو دل میں خشوع اور خضوع ہوگا, اخلاص ہوگا کہ میں اسی کو سجدہ کروں, کسی اور کو نہ دکھاؤں۔ تو عبدیت بھی اسی کی معرفت کی بنیاد پر نصیب ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے تھے, پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ عائشہ نے فرمایا اتنی عبادت کی یہ پاؤں ورم کر گئے؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا,
जिस अल्लाह ने मुझको माफ किया, मासूम बनाया, नबी बनाया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? शुक्रगुजारी इसी मारिफत पर है, अब्दियत इसी मारिफत पर है, और आखिरी बात इसी मारिफत पर रजा बिल कजा भी है। रजा बिल कजा, तकदीर पर राजी। हालात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, होता है जिंदगी में बहुत सारे हालात होते हैं, ऐसे मौके पर तकदीर पर राजी रहना यह भी मारिफत की बुनियाद पर। इसलिए कि जब अल्लाह की मारिफत होगी तो हम ये सोचेंगे मेरा अल्लाह ही ने यह भेजा है, वो कल को दूर कर देगा, वो कल को अच्छी हालत में बदल देगा, वो कल को मेरे गम दूर कर देगा, वो कल मेरी मुसीबत दूर कर देगा, वो कल मेरी बीमारी दूर कर देगा, वो कल मेरी परेशानियां दूर कर देगा। तो रजा बिल कजा, तकदीर पर राजी रहना भी इसी मारिफत की बुनियाद पर नसीब होता है। और आखिरी बात, ईमान पर इस्तकामत भी मारिफत से होगी। मारिफत के बगैर ईमान पर इस्तकामत नहीं होती है, फिर ईमान दावादोर रहता है। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ نے ان لوگوں کا جو کچے ایمان والے تھے کہ وہ ایمان تو لائے لیکن نیت یہ تھی کہ مال ملے گا, پیسے ملیں گے, ہمارے فیمیل بچے پیدا ہوں گے, یعنی گھوڑوں کو, اونٹوں کو, اگر ایسا ہوا تو کہتے تھے اسلام بہت اچھا ہے, اور اگر ان کی طبیعت کے خلاف ہونے لگا کہ اسلام لانے سے حالات آ گئے, پریشانی آ گئے, کہنے لگے اسلام بدترین مذہب ہے, چھوڑ کر چلے گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ۔ تو استقامت علی الدین بھی معرفت سے۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ جنگ کا ارادہ فرمایا کسی جگہ, تو ایک صاحب تھے جو علم نجوم سے واقف تھے, نجومیت سے واقف تھے۔ اس نے حضرت سے یوں کہا کہ حضرت اس وقت میں آپ نہ نکلے۔ کہا کیوں نہ نکلے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وقت منحوس ہے, اس وقت میں نہ نکلے۔ تو حضرت نے فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی علم نجوم کو جو ہے تسلیم نہیں کیا اور نہ نجوم کو رکھا ہے اپنے پاس۔ اب فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اللہ ہی کے پاس سارا علم ہے, بارش کہاں برسے گی, کیا ہوگا, وہ سب اسی کے پاس ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا پھر میں دیکھ لوں کہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں تیری بات پر عمل نہیں کروں گا, میں اللہ کی بات پر عمل کروں گا۔ یہ استقامت علی الدین کہاں سے آئی؟ معرفت کی بنیاد پر۔ تو جو آیت میں اللہ ہم سے معرفت مانگ رہا ہے نا میرے بھائیوں, بہت مختصر بات, اللہ کی پہچان کر لو قرآن سے, احادیث سے, دنیا کے حالات سے, میرے لقمے کے اترنے سے۔ امام بخاری نے قرآن میں اللہ کی معرفت پر کتاب التفسیر میں نقل کیا کہ آپ غور فرمائیں, افلا تبصرون, یعنی اپنی وفی انفسکم, تمہاری ذات پر غور کرو۔ تو اس کی دلیل میں امام بخاری نے ایک دلیل دی, فرمایا کھانے اور پینے کی ایک ہی جگہ, لکوڈ بھی یہاں سے جا رہا ہے, کھانا بھی یہاں سے جا رہا ہے, لیکن جب بدن سے نکلنے کا وقت آیا تو لکوڈ کا راستہ اللہ نے علیحدہ بنایا پیشاب کا, اور موتی نجاست کے لیے علیحدہ راستہ بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ فرمایا اگر نکلنے کا ایک راستہ بناتا تو چونکہ وہ موتی نجاست کے نکلنے کا راستہ تھا, لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا, میرے بندے تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا, اللہ تجھے پاک رکھنا چاہتا تھا, اس لیے دو راستے بنائے۔ امام بخاری کہتے ہیں اسی پر تو غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم جاتے تو ہیں استنجا میں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کی اس میں کیا نشانی ہے, کیا کس طرف ہماری رہنمائی کی۔ یہاں دو نلیاں لگی ہوئی ہیں, ایک سانس کی اور ایک کھانے کی۔ میں میرے اختیار میں صرف چبانے کا مکلف تھا, چبایا, اب اس کے بعد جب نیچے جا رہا ہے تو کون ذات ہے جو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو لے جاتا ہے؟ کون ذات ہے؟ اسی لیے کبھی سانس کی نلی میں ایک دانہ چلا جاتا ہے, کھانسی شروع ہو جاتی ہے, پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ, آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔
एक दाने के जाने पूरा लुकमा अगर सांस की नली में चला जाए तो हमारा क्या हाल होगा। फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला, तुम्हारी जात में गौर करो, मेरे दलाइल हैं तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मारिफत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की मारिफत होगी तो खशियत खुदावंदी मिलेगी, अल्लाह की मारिफत होगी तो अब्दियत नसीब होगी, अल्लाह की मारिफत होगी तो रजा अल कजा तकदीर पर राजी रहने का मसला होगा, और अल्लाह की मारिफत होगी तो दीन पर इस्तकामत होगी। ये पांच फायदे हैं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ए इंसानों, मैंने इंसानों को और जिन्नातों को मेरी मारिफत के लिए पैदा किया। अल्लाह हम सब को अपनी मारिफत नसीब फरमा दे, अल्लाह ताला की पहचान हम सब को नसीब फरमा दे। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम बिरहमतिक या अरहमर रहीम।